विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सुप्रभातम्। आज हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर के 4थे दिन के ब्रह्म वेला के, पवित्र वेला के, पावन वेला के शुभ और सात्विक जीवन जीने का संकल्प लेते हुए हम सभी योग सत्र में भाग लिए हैं। आप सभी भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज मैं आपको अनुलोम विलोम के उस महानतम क्रियाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और बायां हथेली ध्यान मुद्रा में लगा हुआ बाएं घुटने पर रखा हुआ है, हथेली आसमान की तरफ, केहनी को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और दाहिने हाथ को उठाते हैं ऊपर, तर्जनी को मोड़ लेते हैं ऐसे इस तरीके से। आप दाहिना अंगूठा दाहिने नासिका पे लगा लेते हैं, मेरुदंड सीधा रखिएगा पीठ को। अब बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को भरना शुरू करेंगे। अब आंख बंद कर लीजिए। जब 5 सेकंड तक सांस को भरेंगे बाएं नासिका से तो धीरे धीरे मध्यमा और अनामिका अंगुली से बाएं नासिका को बंद कर देते और दाहिना अंगूठा हटा करके दाहिने नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर करने लगते। ये भी 5 सेकंड तक चलेगा। या जब सांस बाहर निकल जाए तो पुनः दोबारा दाहिने नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु को भरने लगते। पांच सेकंड तक ये भी क्रिया चले। जब सांस भर जाए तो फिर दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करके और बाएं नासिका से उंगली हटा करके फिर बाएं नासिका से प्राणवायु छोड़ने लगते हैं और फिर बाएं नासिका से सांस को भरना प्रारंभ करते हैं। अब यही क्रम चलेगा 5 मिनट तक। तो आइए हम सब मिलकर के अभ्यास को करते हैं। धीरे धीरे शांत होकर के पवित्रता के साथ आपके बंद हो, मन शांत हो, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, ऐसा लगे कि हम सब परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं। अनुष्ठान आज पूरा देश महान तीज पर्व को मना रहा है। ऐसे महान तीज पर्व पर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की ओर से आप सभी भाई बहनों को, देशवासियों को, ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आपका जीवन शांत समृद्ध निरोग मन ही मन गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मन ही मन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत् पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका ध्यान सांसों पर टिका हुआ रहेगा। सांस के अलावे आपको न कुछ दिखेगा न सुझेगा। ऐसे केंद्रित कर लीजिए मन को, विचारों को, हृदय को, मस्तिष्क को कि बस सांस के अलावे हमें कुछ भी दिखाई ना पड़े। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए सब कहां से। सांस कब रुक जाए, कब जीवन हमारा सहर जाए, इसलिए एक पल को ही अपना जीवन मान करके, एक क्षण को ही अपना जीवन मान करके जब सांस अंदर जाता है तो ऐसा महसूस करिए कि मैं जीवित हूं, सांस बाहर निकले तो ऐसा लगे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी देखिए हर पल जीवन और मृत्यु का संघर्ष चल रहा है। फिर भी हम मृत्यु से डरने लगते हैं, भय हो जाता है। मृत्यु शाश्वत है, जन्म भी शाश्वत है, नित्य है। फिर भी न जाने हमारे भीतर ये भ्रम गफलत संशय कहां से आ जाता है कि हम तो मर जाएंगे।
ये जीवन मरता नहीं, ये जीवन नष्ट होता नहीं, अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा अपने जीवन को हम छोड़ करके ऐसे चले जाते हैं और दुनिया उसे याद करती है, उस पद चिन्हों पे चलने लगती है। और जो व्यक्ति ऐसा कुछ कर्म नहीं करता, ऐसा कुछ महान पुरुषार्थ नहीं करता, वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के लिए, कुनबे के लिए, बेटे बेटियों के लिए, बहू के लिए, पत्नी के लिए जीवन खपा देता है। और अंत समय में या जाने के बाद जिस परिवार के लिए उसने जीवन को खपाया तपाया, संसार को छोड़ करके समाज से विमुख होकर के लंबा गहरा सांस भरते रहिए। ये चारों तरफ हरियाली, कहनीम का पेड़, चारों तरफ खेतों में धान लगे हुए, धान के खेतों के बीच अलग अलग जड़ी बूटियों के बीच हम सभी जो पूरे गांव हवाई अंदाज में अभ्यास कर रहे हैं, लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा सांस। ये प्रभु, ये परमात्मा तेरा सामर्थ्य हर पल मिलता है, हर घर परमात्मा ही तो हमें रखवाली करता है, जीवित रखता है, मृत्यु को प्राप्त कराता है। अब ये 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक जब अभ्यास करते हैं हम, तो 6वें मिनट से ये कार्यक्रम इसका शुरू हो जाता है। 6वें मिनट से ये प्राणायाम शुरुआत माना जाता है और 6वें मिनट से लेकर के 15वें मिनट या 30 मिनट तक जो अभ्यास करेंगे मौन होकर के, ध्यान ध्यान में जुड़ करके, तो उनके भीतर अष्टचक्रों की जागृति, क्रिया क्रिया के माध्यम से जो हम श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को बार बार दोहरा रहे हैं, तो मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से हमारे मन, कर्म, वचन, हमारे विचार, हमारे उठने बैठने के तरीके सब में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। किसी माँ बहन को देखे तो उसमें अपनी माँ बहन का स्वरूप दिखाई पड़ने लगे, तो समझिए कि मेरे भीतर सात्विक शक्तियों का जागरण हो रहा है। मैं अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं बना, अब धीरे धीरे मेरा दायरा बढ़ने लगा, राष्ट्र, समाज और वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे आदमी जीने लगता है। और जितना अपने बेटे के कष्ट होने पे दर्द होता है, उतना ही दूसरों के भी बेटे के कष्ट होने पे दर्द होना जब आपके अंदर प्रारंभ हो गया, तो समझिए कि मेरा जीवन राम और कृष्ण जैसा होने लगा, मेरा जीवन कबीर, संत तुलसीदास जैसा होने लगा, मेरा जीवन स्वामी रामदेव, दयानंद सरस्वती, संत रैदास जैसे होने लगा। ऐसे विराट चेतना को हम सबको नियमित योगाभ्यास करके जगाना है और अपने जीवन को उन्नत, सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य के साथ जीने का संकल्प लेकर के हम सभी प्रतिदिन 1 घंटा योग करेंगे, निरोग रहेंगे और दिन भर जो हम गाड़ी कमाई करते हैं पसीने का, वो पैसा कभी दबाव में ना लगे, ऐसे शुभ संकल्पों के साथ हम नियमित योगाभ्यास करेंगे।